हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा जिससे आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और ये वीडियो जो है आपने अपने दुश्मनों से भी शेयर करनी है, ठीक है। वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो जो है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ, मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है, ये किस टॉपिक के ऊपर है? तो टॉपिक है टू मेक कैलकुलेशन ईजी इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मैंने साथ में कोड भी लिख दिया है। बच्चों को अकाउंटिंग की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कुछ एफर्ट किए हैं, कुछ इनिशिएटिव लिया है, सो दैट मैं मैक्सिमम कोशिश कर सकूँ जिससे आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाए एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश है, प्लीज़ अप्रिशिएट करना, ठीक है। और मेरे को उम्मीद है कि इससे आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, बिकॉज एग्ज़ाम्स तक जो है 24th या 23rd मार्च तक, जब तक आपके एग्ज़ाम्स हैं, मैं आपके साथ रहूँगा। पूरे 2 महीने हैं और आपको मैक्सिमम हेल्प जो है वो मैं करूँगा, ठीक है। तो आज मैंने, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो जो है नहीं बनानी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके पहले 3 चैप्टर्स लिए हैं, कौन से, पार्टनरशिप के, ठीक है। तो पार्टनरशिप मैंने लगभग टॉपिक वाइज जो है कैलकुलेशन के लिए पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल से। अब इसमें क्या है, बच्चों को परसेंटेज निकालने में कई बार प्रॉब्लम आती है, और कई बार नहीं, मतलब मोस्टली आती ही है, ठीक है। कि जब परसेंटेज निकालते हैं कैलकुलेशन करते टाइम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, तो वो परसेंटेज को इजी कैसे करें। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ कैपिटल इज़ ₹1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैपिटल के ऊपर कितना है, 10%। तो यहाँ पर तो सिंपल है, 1 लाख का 10% करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000। लेकिन तब प्रॉब्लम आती है जब इंटरेस्ट रेट जो है 12% दे दिया, या इंटरेस्ट रेट 13% दे दिया, या इंटरेस्ट रेट 8% दे दिया, 7% दे दिया, और जो अमाउंट है कैपिटल की वो भी एग्जैक्ट नहीं आती। जैसे यहाँ पे है 1 लाख, यहाँ पे 65,000 आ गई, बीच में कोई अमाउंट जो है मैंने ली, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को होती है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 65,000 पूरा लिखते हैं, ठीक है। पहली बात तो पूरा नहीं लिखना, इसको ऐसे करेंगे, फिर ये 2 जीरोस कैंसिल करेंगे, बाद में 650 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, आप इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लेना, दिमाग में फटाफट से कैलकुलेशन करनी है। अब 2 हिस्सों में कैसे होगा ये, 12% को मैंने क्या किया, एक तो 10%, एक 2%, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपको कैलकुलेशन करते टाइम ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं खर्च होगा। 65,000 का 10% करो, ये तो आप दिमाग में भी कर लोगे फटाफट, कितना आ गया 6,500। और 65 का 2% करो, ये भी बड़ा ईजी है, 1,300, ठीक है, 1,300, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया आपका 7,800। एक सेकंड में, एक झटके में आप जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो, इन केस आपको परसेंटेजेस और कैपिटल की अमाउंट जो है वो ऐसी दी हो क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी ट्रिक, ठीक है। आपने 2 हिस्सों में इसको स्प्लिट कर लेना, आपको इजी हो जाएगा। आप इस वे से कैलकुलेशन करके देखना जैसे आप यूजली करते हो, और मेरे तरीके से कैलकुलेशन करके देखना, आप डिफरेंस देखोगे कि इस मेथड से जल्दी कैलकुलेशन जो है वो हो रही है, ठीक है। अब एक और आपको बताता हूँ मैं, ये देखो एक और एग्जांपल लिए। अब यहाँ पे फिर मैंने कैपिटल 63,000 लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 13%, ठीक है। अब इसको भी फिर आपने क्या करना है, 2 हिस्सों में मार लेना, 10% एक और 3% एक, ये दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। तो मैं कॉपी पे लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो आपने लिखना नहीं है इसको, आपने इसको फटाफट दिमाग में कैलकुलेट करना है कि 63 का 10% कितना होगा, 6,300 ऑब्वियसली। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 63 को बस 3 से मल्टीप्लाई करना है और पीछे लगा देनी है एक जीरो। कैसे, 63 को अगर आप नॉर्मल इसका 3% करोगे ना, तो ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाती हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि 63 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जितना आंसर आएगा 189, उसके पीछे एक जीरो लगा दो, बस दैट्स इट। इनको ऐड कर दो, आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा 8,190। कितनी क्विकली और कितनी जल्दी जो है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में कैपेबल हो रहे हो विद दिस मेथड। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसमें मैंने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो है वो 10 से कम ले लिया, मतलब 8% ले लिया, कैपिटल है 75,000। अब आपने फिर क्या करना है, 8% को 2 हिस्सों में बांट लेना है, एक हिस्सा 10%, एक हिस्सा 2%, ठीक है। अब क्या करना है, 75,000 का 10% करना बड़ा इजी है, 7,500, और 75,000 का 2% कैलकुलेट करना भी बहुत इजी है, कितना, 1,500। अब क्या करना है, 8% है ना, तो 10 में से 2 माइनस कर दो, क्या आ गया आपका 6,000। अब 75,000 को अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे 8/100,
तो ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, फिर 75 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर टाइम जाएगा उसमें। तो ये मेथड हमने नहीं करना है, ये सीधा सीधा आपका आगे 10% एक कर लो अलग से, ये तो वर्बली हो जाएगा, इसको भी अलग से कर लो, दोनों को माइनस कर दो। ये तो मतलब बिल्कुल जुबान से ही कैलकुलेशन जो है वो हो सकती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ी कैपिटल ली है, 1,82,000 कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। फिर से 1,82,000 का क्या करो, 10% कितना हो गया 18,200, और उसमें से माइनस कर दो 1,82,000 का 3%, कितना हो गया ये मेरा 5,460। तो जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1,2,740, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको फटाफट करने के लिए, कि अब जैसे 18,200 तो आ गया 10%, अगर 3% करना है तो आपने क्या करना है, 1,82,000 का 3/100 ऐसा नहीं करना कि दो जीरोस कैंसिल करो, आपने सीधा दिमाग में सोचना है कि दो जीरोस जो हैं परसेंटेज के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको 182 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये भी ऐसे ही हो जाएगी, आपको इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी अच्छी है देन यू कैन डू क्विक कैलकुलेशन। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 24, तो 4 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे कैरी हो गया, 3 × 1 = 5, ये 5,460 आ गया, इसमें से माइनस कर दो। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी अच्छी है ना, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, यू विल गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% रेट जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया होता है, आप देख लेना 6% का बहुत बार जो है क्वेश्चन में दिया होता है। तो आपने क्या करना है, इसका 5 प्लस जो है 1 कर लेना, मतलब 5% निकाल लो, ईजी है 5% निकालना, और 1% तो सबसे ज़्यादा ईजी है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको 5% कैलकुलेट करना मुश्किल लगता है कि 3.5 लाख जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल ली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, बच्चे क्या करते हैं पुराने तरीके से करेंगे, 3.5 लाख को उसका 6% करेंगे, 6/100 ये आएगा, उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। सो आपने क्या करना है, 3.5 लाख को या तो सीधा 5% कर लो, अगर फिर भी मुश्किल आ रही है तो 3.5 लाख का 10% करो, कितना 3.5 लाख का 10%, ये भी दिमाग में करना आपने फटाफट, ये हो जाएगा कितना आ गया 35,000, इसका हाफ कर दो बस, ये भी दिमाग में कितना आ गया 17,500, तो ये 17,500 आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। इससे कैलकुलेशन और ज़्यादा, जब भी 5% निकालना है ना, तो आपने 5 नहीं निकालना, आपने 10 निकालना है, तो 10 में 10 अगर निकालोगे, 10% करोगे, उसका हाफ कर दो बस, वो आपका 5% आ जाएगा, प्लस करना है 1%, तो 3.5 लाख का 1% तो सिंपल है, 3,500 आ गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि पहले 10% करो, फिर उसका हाफ कर दो, बाकी सारा कुछ सेम एज इट इज, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है आप जब निकालते हो, तो उसके केस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक और चीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो हमेशा 1 मंथ का ही निकालते हैं, तभी आप देखोगे कि जब भी हम एवरेज पीरियड लगाते हैं ना, उसके साथ डिवाइड करते हैं उसको 12 के साथ, 12 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हम इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का निकालते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, एनुअल बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, अगर बिगिनिंग है, अगर मिडिल है, और अगर एंड है। बिगिनिंग में 6.5, हाफ ईयरली में 3.5, क्वार्टरली में 7.5, मिडिल में 6, 3, 6, और एट द एंड 5.5 मंथ्स, हाफ ईयरली में 2.5 मंथ्स, और क्वार्टरली में कितना आएगा 4.5 मंथ्स, ठीक है। अब ये फ्रैक्शंस को आपने क्या करना है, सॉरी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना और याद रखना है। जैसे 6.5 है, पॉइंट हटा के आप इसके नीचे 10 लगा देंगे, ये आपने याद करना है, पेपर में कैलकुलेट करने का टाइम नहीं होगा आपके पास इतना। सो आपने इनको रिमाइंड करना है, जैसे आपने एवरेज पीरियड याद रखा हुआ है ना कि 6.5 जो है ये बिगिनिंग के केस में होता है, अगर एनुअल ड्राइंग्स है तो 6.5 तो याद, आप इसको क्या करो 13/2 से याद रखो। फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, बच्चे फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से जो बच्चों को आ रही है कैलकुलेशन करते टाइम, यही प्रॉब्लम आ रही, सॉरी कैलकुलेशन की मैक्सिमम प्रॉब्लम बच्चों की मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। सो मैं नहीं चाहता कि आपको वो प्रॉब्लम हो और आपके नंबर कट जाएँ कैलकुलेशन के कारण। सो आपने इसका 13/2 याद रख लेना, 5.5 वाले में 11/2, ठीक है, और उसके बाद 3.5 में 7/2, 3 में तो 3 ही रहेगा, 2.5 में 5/2, ठीक है, ये कटिंग करके देख लेना आराम से बिल्कुल, तो ये इतना ही आएगा। इनको मेमोराइज कर लो तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 7.5 के केस में 15/2, 6 के केस में तो 6 ही रहेगा, 4.5 के केस में 9/2, बहुत ज़्यादा सिंपल आपको हो जाएगा,
ठीक है। और सिंपलिसिटी जो है हमने पेपर में करनी है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को 9877043003 पे मैसेज करें, कभी भी कॉल करें, मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प जो है वो करूँगा। और हाँ, आपने वीडियो को इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो शेयर करना, लाइक भी करना, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब 3,000 रुपये हैं बिगिनिंग में, 8% ड्राइंग्स का रेट है, तो परसेंटेज वाला तो सिंपल वही कैलकुलेट करेंगे आप, 10 माइनस 2, ठीक है। सो 3,000 ड्राइंग्स हैं 12 महीने की, 36,000 हो गई। 36,000 का 10% करो 3,600, ये भी माइंड में हो जाएगा, और 36,000 का 2% 720, और ये भी माइंड में हो जाएगा सीधा। तो आप इनको माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा 2,880। देखो कितने आसानी से आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अवेलेबल हो गया, ठीक है। सो अगर एवरेज पीरियड इसके साथ लगाएंगे ना, तो जो भी एवरेज पीरियड बोला गया, अगर आपको उसने बोला कि मिडल सॉरी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो आप क्या करोगे, 13/2 लगाओगे। अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो 11/2 लगाओगे, अगर बिगिनिंग है तो 6, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 1/12 के साथ, ठीक है। तो आपके पास एक मंथ की ड्राइंग आ जाएगी। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलवेज कैलकुलेट फॉर 1 मंथ, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। तो अब इसके बाद प्रॉब्लम आती है बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, कि एडिशन के टाइम पे भी सारा सारा बच्चे उतारते हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊं कि आपने जो इंटरेस्ट सॉरी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में या कैपिटल अकाउंट में आइटम्स लिखी, अमाउंट्स लिखी, ठीक है, मैंने कोई आइटम का नाम मेंशन नहीं किया, सिर्फ मैंने नंबर्स लिखे हैं, फिगर्स लिखी हैं, तो आपने क्या करना है, इनको दोबारा से नीचे उतारना नहीं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अलग से उतारेंगे, ठीक है, फिर इसको ये इसको सबको अलग से उतारेंगे, इनको अलग से नहीं उतारना, मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत टाइम खर्च होगा, ठीक है। आप इसको प्लस करते हो 6950, फिर इसको अलग लिखते हो, इन तीनों को प्लस करोगे, इससे में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आपने क्या करना है, जीरो चेक कर लेने, कॉमन कितनी है सब में, इसमें 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 जितनी भी आइटम्स आपको गिवन है इनमें जीरोस कितनी कॉमन है आपने वो देख लेनी है। अगर 1 0 है तो सब में एक एक जीरो छोड़ दो, 2 0s हैं तो सब में दो दो, यहाँ पे दो नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि सब में 2 0s पीछे कॉमन नहीं है, तो 1 0 छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास प्लस करने के लिए क्या रहेगा, 250 480 695, ठीक है, तो प्लस कर लो। आप दोबारा से उतारेंगे नहीं, मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, नहीं तो मार पड़ जाएगी अगर दोबारा से उतारा तो, ठीक है, टाइम नहीं खराब करना पेपर में। आपने क्या करना है, इसको प्लस कर देना ऐसे ही, मतलब जो टोटल करके आएगा उसको चाहे आप साइड पे लिख लो, 0005 5 आ गया, उसके बाद 5 + 8 13, 13 + 9 22, 2 2 कैरी होगा, 2 2 4 4 8 + 6 14, उसके बाद 0 लगा दो यहाँ पे पीछे, ठीक है। ऐसे ही 2 4 2 5 0 में से अगर इसको माइनस करना है तो फिर से आपने 0 हटा देनी है पीछे से, 2425 में से 1425 माइनस करो, आपके पास आ जाएगा कितना, 10,000, ठीक है। सो इससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे उतारा है इनको, आपने नहीं उतारना है, आपने सिर्फ यहीं पे इनको टोटल कर देना, और उसका साइड पे आप रफ में चाहे साइड पे लिखते रहो कि क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि याद रहेगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये वही सेम एग्जांपल है, ठीक है, तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। मैं आपको कैपिटल अकाउंट पे लेके चलता हूँ, हाँ ये मेरा मेन टारगेट है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 30,000, 15,000, 10,000, 1,500, 3,000, 2,000, 12,000, 9,000, 7,000 एंड उसके बाद 40,000, 20,000 एंड 10,000। अब इसमें जीरोस देखो कितनी कितनी कॉमन आ रही हैं, सब में दो दो जीरोस कॉमन है, दो दो जीरोस कॉमन है, दो दो जीरोस कॉमन है, इनको क्या करो, जीरोस को हटा दो, फिर इनको प्लस करो। अब 30,000 को प्लस करना, 30,000 में 15,000 को प्लस करना ईजी है, कि 300 में 150 को प्लस करना ईजी है, 300 में 150 को प्लस करने इजी होगा ना, क्योंकि 30,000 को 15,000 में प्लस करोगे तो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, कैलकुलेशन बड़ी है, लेकिन 300 को 150 में ऐड करो तो 450 आता है, पीछे दो जीरोज लगा दो बाद में, सिंपल। जितनी जीरोज आप यहाँ पे स्किप करोगे उतनी ही बाद में ऐड कर देनी है आप, सेम इज़ द केस विद दिस, ऐड हो गया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है। जो भी जीरोज हैं, जैसे यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आया एक्स का 260, वाई का 195 और जेड का 140, और क्रेडिट साइड का टोटल आया 835, 470 और 290। अब 835 में से 260 को माइनस करना बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। 5 में से 0 माइनस किया 5, 3 में से 6 नहीं जा सकता, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे कितना रह गया 7, 7 माइनस 2 कितना गया 5, पीछे दो जीरोज लगा दो बाद में, सिंपल। ऐसे ही 470 में से 195 को माइनस करना बड़ा ईजी है, ठीक है।
एक साइकी होती है ना, है तो सारी सेम टू सेम वही चीज़ें, लेकिन बच्चों के दिमाग में एक साइकी होती है कि एक घबराहट होती है कि कैलकुलेशन बड़ी है, तो मैंने क्या किया, कैलकुलेशन को इजी कर दिया। 470 में से 195 को जब माइनस करोगे, ये भी माइंड में करना आपने, ठीक है, कि 10 में से 5 माइनस किया 5, 16 में से 9 माइनस किया 7, और 3 में से 1 माइनस किया 2, तो 275 आ गया, पीछे दो जीरो लगा दो, कितना आ गया, 27,500। ये आपके बैलेंसेज आते जा रहे हैं। इसके बाद 290 में से 140 को तो सीधा ही हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 290 में से 140, अब यहाँ पे भी एक जीरो हट सकती है, तो 29 में से 14 माइनस किया कितना आ गया, 29 में से 14 माइनस करना तो बहुत सौखा है, 15, 15 में के साथ एक जीरो लगा दो जो यहाँ पे हटाई थी, और दो जीरो जो पहले हटाई थी वो यहाँ पे लगा दो, तो सिंपल आपके पास आंसर आ गया। ये इतनी सिंपल कैलकुलेशन जो है आप इसे कर सकते हो, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो होगा, ठीक है। सो ये मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपके ऊपर कुछ थोप नहीं रहा, हाँ मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आपको इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। देन इसके बाद एक प्रोडक्ट मेथड की एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन मैंने उतारा हुआ है, ये ड्राइंग्स की डेट्स दी हैं, मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम नहीं खराब करना है इस वीडियो में, हम इस वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके उतना पॉसिबल शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब 12,000, 8,000, 3,000, 7,000 एंड 6,000, ठीक है, ये जीरो सटा दी मैंने, इनको सबको मल्टीप्लाई करना अब इसके साथ। अब 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना ईजी है कि 12 को 10 से मल्टीप्लाई करना, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करना इस क्वाइट ईजियर, 120, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना 56, 56, 3 को 6 से 18, 7 को 4 से 28 एंड 6 को 2 से 12, तो जितनी जीरोज मैंने कॉमन ली थी 3, तो बाद में इनमें सब में तीन तीन जीरोज ऐड कर दो, ठीक है, तो आपका टाइम भी बच गया और कैलकुलेशन जो है इतनी बड़ी कैलकुलेशन फटाफट होगी। इन सब के बाद इनको ऐड कर लो आगे वालों को, पीछे तीन जीरोज डाल दो, बस दैट इज इट, आपके पास आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आपको बता दूं, इसमें मल्टीप्लीकेशन ही है, कैलकुलेशन है परसेंटेज की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, वो सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। अब मेन हमारा मुद्दा आता है चेंज इन PSR का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बच्चों को एलसीएम कैलकुलेट करने के टाइम पे, परसेंटेज कैलकुलेट करने के टाइम पे ना बहुत मुश्किल आती है, तो मैं दोनों तरीकों से समझाऊंगा आपको, दो जो भी मेथड जो है इस समय ईजी लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, याद कर लेना, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर ये सारा कुछ याद कर लोगे ना कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 100% गारंटी है। 1/10 का मतलब क्या होता है, 10%। 4/10 का मतलब क्या होता है, 40%। 7/10 का मतलब क्या होता है, 70%। 10/100 मीन्स 100%। 2/10 मीन्स 20%। 5/10 मीन्स 50%। 8/10 मीन्स 80%, ये रिपीट हो गया। 3/10 मीन्स 30%। 6/10 मीन्स 60% एंड 9/10 मीन्स 90%। अब मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। 9/10, 9/10 का मतलब क्या होता है, 0.9। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट गया नीचे, 10 आ गया, 9 सॉरी 0 से 0 कैंसिल, 9 और 10 कितना आ गया, 90, ठीक है जी। तो सिंपल है, बहुत इजी है आपको याद करना, ठीक है। और टोटल शेयर जो होता है आपने हमेशा अज्यूम करना है 1, 1 मीन्स 100%, ठीक है। अब ये तो थी जिसमें डिनोमिनेटर 10-10 होता है सब में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं रहेगा, हर बार डिनोमिनेटर चेंज होगा, तो आपने याद रखना है 2/5 40%, 2/5 40% कैसे, 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 1 5 इंटू 1 1 एंड 20 इंटू 500, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 40%। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। कैलकुलेट करके देखना, इनको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं। 3/5 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो कितना आ गया, 60%, ठीक है। उसके बाद 4/5 का मतलब क्या होता है, 80%। 5/5 का मतलब क्या होता है, पूरा 100। 1/4 का मतलब 25%। 1/3 मीन्स 33%। 1/2 मतलब हाफ, मतलब 50%। 1/6 ये बहुत बार यूज होता है, बहुत ज़्यादा, और 1/6 का मतलब होता है 16.6666% और 16.67%। 1/8 ये भी बहुत बार यूज होता है, इसका मतलब होता है 12.5%। 3/4 का मतलब होता है 75%, ठीक है, कैसे हैं, 3/4 को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, 4 × 1 25 × 4 कितना आ गया, 75। 2/6 का मतलब भी सेम होता है, ये रेशियोज़ में यूज़ होगा, आप देखना, ये 2/6 तो बहुत बार यूज़ होता है। 2/6 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है, 33%। सो आई होप नो टर्म अदर देन दिस इज़ यूज, ये ही टर्म्स यूज होंगी, जितने मर्जी क्वेश्चन उठा के देख लो रेशियोज़ के, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होता है ना, कभी भी मोस्टली जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन में 10 से ज़्यादा नहीं होता, चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस
देखते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 3:1 उनकी रेशो है। अब वो रेशो चेंज करना चाहते हैं 1:1:1, मतलब इक्वल रेशो में आना चाहते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब मैंने परसेंटेज मेथड से किया है पहले, ये परसेंटेजेस जो जहाँ पे मैंने लिखी है ना यहाँ, तो आपने पेपर में लिखनी नहीं है। अगर आपको याद है तो आप इसको ईजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं दिमाग में, आपको सारा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। अब 3/6 का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%, मतलब ए का शेयर कितना है 50%, बी का है 2/6, 2/6 मैंने आपको बताया अभी ऊपर बोला ना, तो 1/3, 1/3 मीन्स 33.33%, और सी का पुराना शेयर है 1/6, और 1/6 का मतलब क्या होता है 16.67, और नए शेयर हैं इक्वल 1:1:1 मतलब 33% सबका, तो बस 50 में से 33 माइनस करा कितना आ गया 17, 33 में से 33 माइनस किया आ गया 0, और उसके बाद 16 में से 33 माइनस किया तो आ गया मेरा 16.67%, मतलब या इसको 17 भी लिख सकते हैं। अब इसको 17% सेक्रीफाइस हो रहा है, इसको 70% गेन हो रहा है, इसको ना सेक्रीफाइस हो रहा है ना गेन हो रहा है, तो इसका मतलब इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, सिंपल आपका वर्बली आंसर आ गया बिना कैलकुलेशन के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंट्रीज भी डाली हुई है, गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप इसी मेथड को एलसी मेथड से करते हो तो वो भी बड़ा इजी है। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे, वो ऊपर वाला मेथड तो आप सिर्फ दिमाग में ही कैलकुलेशन करके कर सकते हो। ठीक है, तो 3:1 है, नया रेशो है 1:1:1, अब ए का सेक्रीफाइस है गेन, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे, तो 3/6 में से 1/3 माइनस किया, एलसीएम आ गया 6, क्यों, क्योंकि 3 छोटा है और 6 बड़ा है, और जो डिनोमिनेटर्स होते हैं अगर एक ही टेबल पे डिविजिबल हैं तो मैक्सिमम वाला नंबर जो है आपका एलसीएम आ जाता है, तो 6 आ गया, 6 को 6 से डिवाइड किया कितना है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3, सेम यहाँ पे करेंगे, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, तो 1/6 सेक्रीफाइस आ गया ए का, बी को कोई सेक्रीफाइस या गेन नहीं हो रहा, और सी को हमारे यहाँ पे हो रहा है गेन 1/6, तो यही हमारा ऊपर आया था। कैसे ऊपर आया था ये देखते हैं, मैंने आपको क्या बोला था कि ए को सॉरी यहाँ पे, अब ए को जो गेन हो रहा है, सॉरी सेक्रीफाइस हो रहा है, वो हो रहा है 16.67, मतलब 1/6 मैंने ऊपर आपको दिखाया था ना कि 1/6 का मतलब 16.67%, और इसको गेन हो रहा है 16.67, मतलब 1/6, तो 1/6 इसको सेक्रीफाइस और इसको गेन। ठीक है, तो अगर आपने परसेंटेजेस याद किए होंगे ना कि 1/10 क्या है, 2/10 क्या है, तो आप सीधा सीधा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दिमाग में कैलकुलेशन करो, सीधा लिखो, आपके पास सेकंड्स में आंसर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एंट्री आ गई, मैंने इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से किया, गुडविल लिया साथ में 40,000। ठीक है, वही 5:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुराना है, नया है 2:1, चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो कि ए का शेयर 5/10 है, 5/10 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 50%, इसका 3/10, 3/10 का मतलब 30%, 2/10, 2/10 का मतलब 20%, जैसे कि मैंने आपको ऊपर सारा समझाया। ए का शेयर नया 2/5 मतलब 40%, बी का 2/5 मतलब 40%, सी का 1/5 मतलब 20%, तो 50 में से 40 माइनस किया कितना आ गया 10%, मतलब 1/10, बी का 30% पुराना शेयर, 40% नया, तो कितना आ गया 10% माइनस, मतलब 1/10 माइनस में, और उसके बाद इसका 20 इधर है, 20 इधर है, तो कुछ भी सेक्रीफाइस कुछ भी गेन नहीं होगा, तो यहाँ पे गेन हो रहा है बी को, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ए का क्रेडिट कर देंगे, तो कितने अमाउंट से करेंगे, 40,000 है, तो 40,000 × 1/10, तो मतलब 4,000 से, सॉरी 4 लाख है ना, तो 40,000 आ जाएगा, बीज कैपिटल टू एज कैपिटल 40,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ कोशिश मेरी तरफ से छोटी सी की गई थी, तो ये मैंने एलसी मेथड से कर दिया, तो आप एक बार चेक कर लेना, इसको कोई मुश्किल नहीं है, छोटी सी कोशिश थी, छोटा सा एफर्ट था, मैंने सुबह बैठ के दिमाग लगाया कि बच्चों के लिए कैलकुलेशन कैसे इजी हो सकती है, तो मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को मैक्सिमम और मैक्सिमम और मैक्सिमम लाइक करना है, और मैक्सिमम ही शेयर करना है, और चैनल को मैक्सिमम दबा के सब्सक्राइब करना मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और बाकी नेक्स्ट जो है मैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में पार्टनरशिप एंड तक जो है सारी कैलकुलेशन लेके आऊँगा आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखना अपना, थैंक यू।